Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. हरे कृष्णा, ए बार को रुना करो वैष्णव गो Hey, what a corona.
के हो पचाते पाव गंगार परश होले दर्शने पवित्र कर ए तुमार गो दर्शने पवित्र कर दर्शने पवित्र कर ए तुमार गो स्थान अपराधे आहे हरि नाम हरि स्थान अपराधे आरे हरि नाम तुम्हार स्थान अपराधे नहीं को ये राम तुम्हार स्थान Vishnu Bhagavan
सदा गोविंद विश्राम तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहे नो मम वैष्णव बारो करो ना करो वैष्णव गोसाई बारो करो ना करो वैष्णव गोसाई बारो वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव तो सभी दोनों हाथ ऊपर उठाए बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले इस मलिनेश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की हरे कृष्णा जोर से बोलिए सास से प्रेम से हरे कृष्णा तो पीछे वाले हैं वो भी बोले हरे कृष्णा व्यास पूजा महा महोत्सव की एक आवश्यक सूचना है आप सब भक्तों के लिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं जो आपको बैठा रहे हैं अरेंजमेंट पर लगे हुए हैं कृपा करके वो जैसा कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा तो आपके लिए और सुविधा रहेगी तो रविलोचन प्रभु यहाँ पे हमारे इंचार्ज हैं और जैसा वो कह रहे हैं उनके जो वॉलंटियर्स आपको बैठा रहे हैं कृपा करके उनको फॉलो करें अब पहले नीचे की जो सीटें हैं ये फुल हो जानी चाहिए
जब यहाँ जगह नहीं रहेगी तब आप बालकनी में जा सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पे यही दिखाई देता है। पहले फुल करिए, उसके बाद फिर ऊपर बैठाइए। हरे कृष्णा। माइको हरे कृष्ण हरे बोल। गुमुक का आवाज दो, गुमुक का आवाज नहीं है बिल्कुल भी, गुमुक बंद है। शिल गुरुदेव की, शिल भगवत पाद महाराज की, शिल भगवत पाद गुरुदेव व्यासपुदा महा महा महोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेम नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नीति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यम् यः प्रकाश्य वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधो शिल भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्ते तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। वैष्णव ठाकुर दयारो सा हे दास करुणा कोरी
वल्लभ ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा पदो छाया शोध हे आमारे दिया पदो छाया शोध हे आमारे तुम्हार चरण बेगदमी छय दोष सोधी छय गुण देह दासे छय गुण देह दासे बसे ची संगे रो वैष्णव ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा को हरि नाम संकीर्तन तुम्हें कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया तुम्हें कृपा करी श्रद्धा देह कृष्ण नाम देह कृष्ण नाम धाम
ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते पारो कृष्ण दीते पारो कृष्ण से तुम्हारो कृष्ण दीते तुम्हारो सकतिया तुम्हारो सकतिया तुम्हारो सकतिया तुम्हारा सकतिया आमी तो कंगा कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो गंगा कृष्ण कृष्ण बोली आमी तो गंगा कृष्ण कृष्ण बोली खाए तब पाछे पाछे सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे जरा एक फिर सभी भक्तगण और बजाइए ताली वैष्णव ठाकुर दयारो सागर हे दास करुणा वैष्णव ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा सबाई बोलो सभी लोग बोलिए सभी लोग गाइए हरि नाम संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम सिला गुरुदेव की। इतने भक्तगण यहां हैं, आवाज बहुत कम है। हम लोग किस लिए आए हैं? गुरुदेव की जय करने के लिए आए हैं, है ना? सिला गुरु महाराज की, सिला भगवतपाद महाराज व्यास पूजा महा महा महोत्सव की, सिला प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो। हरे कृष्णा, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे लोग सब प्रेम से, दोनों हाथ ऊपर उठाए प्रेम से, अब बड़े उत्साह के साथ बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। व्यास पूजा महामहोत्सव की जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूजनीय गोपाल किशोर गोस्वामी महाराज की। आप लोग भजन का आनंद लीजिए, लेकिन महाराज कुछ ही पलों में पहुंचने वाले हैं। महाराज निकल चुके हैं, पहुंचेंगे, और तब तक आप लोग कीर्तन का आनंद लीजिए। आश्रय को रिया बंद श्री गुरु चारा आश्रय को बारे ना रे गुरु रुष्ट
कृष्ण नाकी बार नारे गुरु माता गुरु पिता गुरु भाइन पति गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति गुरु माता गुरु पिता गुरु हन पति संसारे नाही अर गति गुरु बिना ये संसारे नाही अन्न गति गुरु बिना ये संसारे नाही अन्न गति गुरु बिना ये संसारे नाही अन्न गति गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करियो कखो गुरु के मनुष्य ज्ञान ना करियो गुरु निंदा प्रभु करने ना करो श्रवण गुरु निंदा प्रभु करने ना करो गुरुपाद पद में रहे जारो निष्ठा भक्ति जगत तारित से धरे महाशक्ति जगत तारित से धरे महाशक्ति परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी पहुंच चुके हैं अब कुछ ही पलों में आपके सामने प्रकट हो जाएंगे बोलो कॉर्डलेस का आवाज तेज करें प्रभु आवाज का तेज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की व्यास पूजा महा महोत्सव की बोले हरे कृष्णा खूब जोर से बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे गुरुदेव कृपा गुरु हरे राम हरे राम 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 हरे 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 देखिए ये पूरा उत्सव का आनंद लीजिए लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखिए जो हमारे वॉलंटियर्स हैं विशेषकर रवि लोचन पहुँच जो हमारे इंचार्ज हैं और स्टेज कंट्रोलर हैं कृपा करके उनका सहयोग दें ये आपकी सुविधा के लिए है निश्चित रूप से आप सब महाराज का दर्शन तो करेंगे ही यहाँ पे आएंगे भी लेकिन डिसिप्लिन बनाए रखेंगे तो सबके लिए सुविधा रहेगी व्यवस्था बनाए रखें इससे महाराज भी प्रसन्न होंगे बोले हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हमारे जो गेस्ट सीनियर भक्त यहाँ पे आए हुए हैं उनको
फ्रंट सीट पे बैठना चाहिए। अजमाए दिल्ली के भक्त हैं वो ये फ्रंट सीट छोड़ दें, दूसरे साइड में चले जाएं, कि जो दूर दूर से हमारे सीनियर भक्त आए हैं उनको स्थान दिया जाए फ्रंट सीट पे, इतना ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम सब दिल्ली वासी हैं, हमें तो अति सेवा करना चाहिए। अब हम आगे बैठ जाएँ तो क्या करें, तो जो दूर से हमारे गुरु भाई आए हुए हैं वो फ्रंट पे रहें, और जो हमारे दिल्ली के भक्त लोग हैं कॉर्डलेस का आवाज तेज करो, कॉर्डलेस का आवाज थोड़ा करिए, कॉर्डलेस का आवाज तेज करो भैया, कॉर्डलेस का आवाज तेज करिए, हाँ और थोड़ा बढ़िया करिए। तो हमारा कर्तव्य बनता है, वो वाला ले लो वाला। हरे कृष्णा, दोनों हाथ उठाएंगे, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, व्यास पूजा महामहोत्सव की। तो बस कुछ ही पलों में महाराज जी हमारे समक्ष होंगे, और उस घड़ी का इंतजार है कि जैसे ही महाराज जी आएंगे, जो जहाँ पे बैठा हुआ है वो खड़ा हो जाएगा। एक सिस्टम, एक शिष्टाचार है, खड़े होकर के हम महाराज जी का स्वागत करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तब तक थोड़ा सा कीर्तन करिए। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, त्रिनापेखा पति हीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, त्रिनापेखायति हीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, त्रिनापेखा होति हीना, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दास, त्रिनापेखा होति हीना। सकल सहने बल दिया करो, 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 सकल महाराज की। तो हम लोग सब खड़े होकर के महाराज जी का स्वागत करेंगे। हमारे बीच में परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज जी पधार रहे हैं, उनका हम दर्शन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज जी, हरि बोल, जय 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 गुरुदेव। पवन जय पति पवन शिला गुरुदेव, पति पवन शिला गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव।
गुरुदेव गुरुदेव करके आप लोग सब बैठ जाइए यथास्थान। कृपा करके आप सब लोग बैठ जाइए। जो ऊपर प्रभु जी बैठे हैं सब, जो खड़े हैं सब बैठ जाएं, कोई खड़ा नहीं रहेगा, सब बैठ जाएंगे। अब बिल्कुल शांति बना रखें, क्योंकि अब महाराज जी का गार्लैंडिंग पुष्पहार से स्वागत करेंगे। और जय मुकुंद प्रभु जो हमारे बीच में कहीं उपस्थित हैं, कृपा करके मंच पर आएं और मंगलाचरण आरंभ करें। हरे कृष्णा। एक बार जोर से बोलिए, श्री श्रीमद इज होलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी व्यास पूजा महा महोत्सव की, व्यास पूजा महा महोत्सव की, व्यास पूजा महा महोत्सव की। तो आज बड़े सौभाग्य का विषय है 69th 69वां व्यास पूजा महामहोत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग आज हैं, एकत्रित हैं। हरि बोल। और इसी तरह से आने वाले कई सालों तक हम लोग ऐसे ही एकत्रित होते रहे और इस प्रकार से सद्भावपूर्ण वातावरण में सारे गुरु भाई, सारी गुरु बहनें और सभी इष्ट मित्र मिलकर के इस व्यास पूजा का आनंद उठाते रहे हैं। श्री व्यास पूजा महामहोत्सव की। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, प्रभुपाद जी 1896 में 1 सितंबर को ही प्रकट हुए थे। ताज श्री कृष्ण की इच्छा से आज भी 1 सितंबर है। 1 सितंबर की जय हो। तो अब हम लोगों के बीच में जय मुकुंद प्रभु पधारे हुए हैं। और आपने देखा महाराज जरा पीछे से आए, क्योंकि आप लोगों की भीड़ भी ज़्यादा है, ऑडिटोरियम वालों की भी विशेष सुरक्षा व्यवस्था है, उसके लिए महाराज जी को पीछे से लाया गया है। यद्यपि वो चाहते नहीं थे, वो चाहते थे नहीं हम फ्रंट से चलेंगे। तो आप सब लोग इसके साथ धैर्यपूर्वक दर्शन कीजिए बैठ करके। और अब आपके बीच में हमारे जय मुकुंद प्रभु मंत्रोच्चार के द्वारा, इन्हें काफ़ी अच्छी तरह से बाल्यकाल से ही मायापुर गुरुकुल में शिक्षा दी गई है और अपने मंत्रों के द्वारा मंगलाचरण ऑस्पिशियसनेस इस कार्यक्रम के शुभारम्भ के लिए सभी देवताओं, भगवान श्री कृष्ण, सभी गुरुवर्ग के आशीर्वाद की कामना करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील भगवतपाद की, व्यास पूजा महामहोत्सव की। हरि ओम। सम नो मित्र सम वरुण सम नो भवत्वर्यम सम नो इंद्रो बृहस्पति सम नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि विदमवदिष्यामि सत्यमदिष्यामि तन्मावदो तद्वक्तारमवदो अवदु माम् अवदु वक्तारम् ॐ शान्ति
शांति शांति। ओम सम नो मित्र सम वरुण सम नो भवत्वर्यम सम नो इंद्रो बृहस्पति सम नो विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिसं ऋतमवादिसं सत्यमादादिसं तन्मामावेद तद्वक्तारमावेद आविद्मा आवेद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम तच्चयोरावृणीमहे यातुं यज्ञाय यातुं यज्ञवदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः उद्भवं जिगातु भेषजं सं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। ओम न कर्मणं न प्रजया धनेन त्यागेनैक अमृतत्वमानसुः परेण नाकं वेतं गुहाया विव्रायते यद्यतयो विशान्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रथमास्तु महाज्वाला द्वितीयस्तु ग्रकेशरी तृतीया कृष्ण पिंकाक्ष चतुर्थस्तु विदारणः पंचश पंचमश्चैव षष्ठ शिवमार्दनौ सप्तमो दैत्यहंता च अष्टमो दीनवल्लभौ नवमो प्रह्लादौ वरदौ दशमो अनंतहस्तकः एकादशो महारुद्रद्वादशा करुणानिधिः। ॐ वज्रानकाय विद्महे तीक्ष्णधनुष्ट्राय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वायुशन्त्यन्तरिक्षं शन्ति पृथिवी शन्ति अपा शन्ति ब्रह्मण शन्ति वैष्णव शन्ति शन्ति राष्ट्रो ज्योतिराष्ट्रो। ओम शांति शांति शांति। सभी मिलके ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद जय मुकुंद प्रभु। आपने अभी सत्स्वर पाठ सुना और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जितने आचार्य वर्ग हैं उनके आशीर्वाद की कामना की गई और इस प्रकार से अब ये कार्यक्रम मंथर गति से अग्रसर हो रहा है। हम लोगों के बीच में श्री प्रभुपाद जी के बहुत से शिष्य पधार चुके हैं जिसमें से श्रीमान श्रीदाम प्रभु और लोक साक्षी प्रभु क्रतु प्रभु और उनकी धर्मपत्नी भी आ गई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। आप लोग हरि बोल करके इनका स्वागत कीजिए। हरि बोल हरि बोल। हम लोग बीच में श्रीधाम प्रभु जो दिल्ली में जो सबसे पहले प्रभुपाद जी ने इंडियन लोगों को दीक्षा दी थी उसमें इनके साढ़ू भाई थे कृष्ण गोपाल प्रभु और श्रीधाम प्रभु तो आपके बीच में हैं। हम इनसे प्रार्थना करेंगे कि कार्यक्रम की शुभारंभ करते हुए हम सब लोगों को प्रेरणा दें कि हम महाराज जी के प्रभुपाद जी के सेवा के इस महानतर गुरुतर कार्य को उनके साथ लग करके और जिस तरह से ये महाराज की सेवा में तत्पर रहते हैं हम सभी शिष्यों और गुरु भाई गुरु बहनों को उनके साथ उनकी सेवा में लगा के रखें। श्री श्रीधाम प्रभु हरि वो। मेरे साथ बोलिए नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नामते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निरविशेषा सुन्नवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।
त्रियद्वैता वदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा शिल प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा शिल प्रभु पदा शिल प्रभु पद की जो हरिदास गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। देखिए एक गाड़ियां हैं DL7CB 5625 KA 532 5941 और 8785-7459 एक गेट नंबर 4 पे कृपा करके हटा लीजिए नहीं तो क्रेन उठा ली जाएगी। 5625-5941-8785-7459 कृपा करके एक गाड़ी हटा लीजिए। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी और सब आए हुए उपस्थित भक्तगण सबको बहुत बहुत बधाई हो व्यास पूजा की। आज का दिन महाराज का जन्मदिन बहुत ही पावन दिन है। मैं बार बार महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करता हूं। महाराज के साथ महाराज के दर्शन मैंने पहली दफा 1975 में किए थे और तब से लेके अभी तक उनके ही संरक्षण में मैं रह रहा हूं। आज का दिन तो बहुत ही पवित्र दिन है क्योंकि आज प्रभु महाराज जी का जन्मदिन है। 69th जन्मदिन है आज। प्रभुपाद जी चाहते थे कि दिल्ली के हर कोने में मंदिर हों। पहले शुरू में तो केवल बंगाली मार्केट में ही एक छोटा सा सेंटर हुआ करता था हमारा। उनमें केवल थोड़े से भक्त थे, ज़्यादा नहीं थे, 8-10 भी नहीं थे भक्त वहाँ पर। और इंडियन तो केवल हम लोग 3 लोग थे, कृष्ण गोपाल दास, मैं माइसेल्फ और हमारी गुरु बहन हुआ करती थी। तो ऐसे करके इंडियन 2-3 ही थे, कुल मिलाकर के 8-10 से ज्यादा नहीं थे सारे। और प्रभुपाद जी ने एक दफा कहा भी था कि दिल्ली में सब जगह मंदिर होने चाहिए कोने कोने में। तो प्रभुपाद जी की इच्छा पूर्ण हमारे परम पूजनीय हिजोलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने दिल्ली में 10 मंदिर बना करके प्रभुपाद जी की इच्छा को पूर्ण किया। भगवान की गौर निताई जी की इन पर असीम कृपा है। जब भी आप सुबह देखेंगे, चाहे जितने मर्जी थके हुए हों, बाहर से आते हैं रात के 12 बजे भी जब आते हैं, लेकिन सवेरे मंगल आरती में गौर निताई की आरती करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसी समय कोई थकावट महसूस नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान की बहुत असीम कृपा है। अभी देखिए दिल्ली में 10 मंदिर तो बनाए हैं, लेकिन कहां 3-4 इंडियन डिवोटी हुआ करते थे, अभी हजारों की तादाद में दिल्ली में दीक्षित शिष्य हैं महाराज के। इनमें भगवान ने और प्रभुपाद जी ने इतनी शक्ति भर दी है कि महाराज जी किसी को भी कृष्ण दे सकते हैं और उनके दर्शन करा सकते हैं।
एक छोटा सा वाक्या मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों को पहले मैंने बताया, मैंने मायापुर में गए थे तो रास्ते में मुझे बोला बोलने के लिए, तो फिर बताया था, लेकिन आम सभी लोगों ने नहीं सुना है, तो मैं बताऊंगा आपको। इसी बात को सिद्ध करता है वो कि महाराज जी किसी को भी कृष्ण दे सकते हैं और उनके दर्शन करा सकते हैं। पिछले 7-8 महीने पहले मेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, तो मैं सेंटर फॉर साइट हाउस कास्ट में अपनी आंखें बताने के लिए गया, तो डॉक्टर ने बोला कि एक आंख में थोड़ा ज़्यादा है, जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा, और एक आंख जो है वो शायद आप 2-3 साल के बाद भी करा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो जिस दिन मेरा ऑपरेशन की डेट थी तो महाराज जी दिल्ली में ही थे, मंगल आरती के बाद बैठे हुए थे मंदिर में ही, तो मैं महाराज को प्रणाम करने के लिए गया, तो महाराज ने मुझे पूछा कि आज आपकी आंख का ऑपरेशन है। मैं कहा हाँ जी। तो इन्होंने मेरे सिर पर पीठ पर हाथ फेरा, उसके बाद प्रणाम करके मैं चला गया। और जब डॉक्टर ने पहले तो मेरी आंख में इंजेक्शन दिया और ये हाथ ये सिर जो मैं था सुन्न हो गया मेरा, और जब मेरा ऑपरेशन करने के लिए अंदर लेके गए, ऑपरेशन जब मेरा आंख का वो करने लगे लेजर से, मेरी आंखों के ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो आप सच मानिए क्या सीन था मेरे सामने। कोई दर्द नहीं मुझे हुई, क्या हो रहा है कोई पता नहीं है, लेकिन इतना बढ़िया सीन, ऐसे रंग कलर्ड जैसे गोलोक धाम का सीन था, पूरा सीन आ गया। राधा कृष्ण साक्षात उनके दर्शन हो रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास, सारे पंचतत्व वहां पर विराजमान है, प्रभुपाद जी भी विराजमान है और महाराज खुद भी वहां पर विराजमान है। ऐसा सीन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, लेकिन पहली दफा प्रभु महाराज की कृपा से, आशीर्वाद से मुझे ये दर्शन हुए भगवान के। तो उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 3-4 हफ्ते बाद जब दोबारा डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर मुझे बोलते हैं कि भाई अभी दूसरी आंख का क्या विचार है, वैसे तो आप 2-3 साल के बाद भी बना सकते हो। मैंने बोला नहीं नहीं अभी बना दीजिए, मुझे लालच आ गया। मैं क्या अभी एक दफा महाराज भगवान के दर्शन कर लिए हैं, अभी दोबारा मैं फिर भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। तो डॉक्टर बोलते ठीक है आप करा लीजिए, फलां डेट को आ जाइए। महीने के बाद ही दूसरी आंख का भी ऑपरेशन करने के लिए मैं पहुंच गया वहां पर, लेकिन इस दफा महाराज जी दिल्ली में नहीं थे महाराज जी दिल्ली में नहीं थे, तो आशीर्वाद नहीं मिला। मैं ऑपरेशन के लिए जो प्रोसीजर है उनका वो किया उन्होंने, और जब ऑपरेशन हुआ तो मुझे पूरी होश रही, वो आंखों के बाल भी काट रहे हैं और लेजर भी चला रहा है, उसकी आवाज भी आ रही है, हल्की हल्की दर्द भी हो रही है, और मैं याद कर रहा हूं कि वही सीन पहले वाला आ जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, पंचतत्व के दर्शन हो जाए, प्रभुपाद जी के दर्शन हो जाए, लेकिन वो तो नहीं हो सके। लेकिन हाँ इतना जरूर रहा कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चलता रहा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने कहा कि महाराज को बहुत शक्ति दी हुई है भगवान ने, प्रभुपाद जी ने, जिससे वो किसी को भी भगवान दे सकते हैं, कृष्ण को दे सकते हैं और कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। हरे कृष्ण बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्री राम प्रभु जैसे आप जानते हैं बहुत ही पुराने भक्त हैं, आज दिल्ली में हजारों गृहस्थ भक्त जुड़े हैं, पर जब प्रभुपाद पृथ्वी पर थे तो मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे पहले भक्त जुड़े थे वो थे कृष्ण गोपाल प्रभु, जिन्होंने श्री त्यागा पिछले साल, और नंबर 2 थे श्री राम प्रभु।
श्रीधाम प्रभु सरकारी नौकरी करते थे होम मिनिस्ट्री में, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन में, और हर शनिचर इतवार तेजस प्रभु के साथ प्रचार के लिए जाते थे। तो इनके उदाहरण से आप सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अब रिटायरमेंट के बाद ये पूरा समय दे रहे हैं प्रचार के कार्य में, तो हम उनके बड़े आभारी हैं, और भक्तों को भी उत्साहित देते रहते हैं, उत्साहित करते रहते हैं और काउंसलिंग करते रहते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, इस ग्रह से दाम प्रभु की। तो हम लोगों के बीच में श्याम कृष्ण प्रभु और अद्वैताचार्य प्रभु वाशिंगटन से आए हुए हैं, हमारे गुरु भाई, हम उनका स्वागत करना चाहेंगे। और गीता माता जी अटलांटा से आई हैं, वैसे तो आप सबका स्वागत कर दिया है, स्पेशल मेंशन इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग जन्माष्टमी बिता के वहाँ से डायरेक्ट पहली बार इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं, इसलिए विशेष आभार। हरे कृष्ण। अब हम लोगों के बीच में लोक साक्षी प्रभु, लोक साक्षी प्रभु इज ऑल्सो प्रभुपाद डिसाइपल एंड ही इज फ्रॉम ब्राज़ील। तो ब्राज़ील यूनिवर्सिटी हैज सेंड हिम हियर इन एक्सचेंज प्रोग्राम टू JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, एंड ही इज डूइंग रिसर्च ऑन भक्ति रसामृत सिंधु ऑफ रूप गोस्वामी। सो दिस इज अ ग्रेट प्रिविलेज टू अस दैट ही इज हियर फॉर 6 months। ही गिव्स क्लास, ही गिव्स हिज एसोसिएशन, ही इज लाइक अ टीचर। ही गेव दिस मॉर्निंग ऑल्सो वेरी नाइस क्लास, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट हिम दैट ही शुड कम एंड ऑफर हिज ग्लोरिफिकेशन। हरे हरे कृष्णा, नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी तिनामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष सनवारी पश्चात देशतारिणे। दैट्स द ग्रेट ऑनर दैट आई वाज इनवाइटेड बाय गोपकृष्ण महाराज डिसाइपल टू अटेंड टू दिस मोस्ट ऑस्पिशियस सेलिब्रेशन ऑफ हिज व्यास पूजा। And I don't want to come on philosophical dissertation about the importance of this ceremony for establishing devotional servicing all over the world. Even Maharaj, in his humbleness, he asked that he was very feeling very embarrassed that I come here to see he's being glorified. I told him that I'm here seeing that how Prabhupada is being glorified by the service that he has been done for Srila Prabhupada. Yes. These mics are working? Madhumangal Prabhu? Yeah, you can speak here. Again? Now it can. Then he can translate that now. I told that Maharaj said he feel very embarrassed that I'm here, his brother, to see he's being glorified. I told him that I'm not seeing he's being glorified only. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि महाराज ने पहले बताया कि महाराज को उतना अच्छा नहीं लग रहा है कि अपने गुरु भाइयों द्वारा उनको गुणगान सुनना पड़ रहा है। तो प्रभु जी ने बताया कि आपका गुणगान नहीं हो रहा है, श्रील प्रभुपाद का गुणगान हो रहा है। I'm seeing that Prabhupada is really being really glorified by his service that he's been done. I see that Prabhupada is being glorified by his service. And myself, I don't have so much association with Maharaj, but मेरा उतना संग नहीं है महाराज के साथ। But the little association have when I was serving together as GBC member, he always was very kind as an older god brother. Help me do my service. I remember when I always time. तो जब जितना भी मेरा संग मिला था, मुझे बहुत सौभाग्य मिला कि एक वरिष्ठ गुरु भ्राता के रूप में उन्होंने बहुत सहायता के मार्गदर्शन दिया, विशेष करके जब मेरी सेवाएं जीबीसी में थी। When I came here, the time when the temple was in Great Kailash. जब पहली बार प्रभु जी आए थे तब ग्रेटर कैलाश में था मंदिर। He was very humble. He accepted to stay in his own room. तो इतने विनम्र थे कि मुझे खुद के कक्ष में उन्होंने रहने के लिए दिया। I see that he is so humble. That Prabhupada has done this big service. I remember from that time to now what happened with Delhi. तो प्रभुपाद ने इस सेवा करी, उन्होंने प्रभुपाद के प्रति भी जितनी सेवा करी, इतना महत्वपूर्ण सेवा है आज दिल्ली में, आज उन्होंने जो किया है। I didn't know that was so great. I didn't know that you have so much
preaching center and Sabbath temple being open and some nice devotees. तो हमारे प्रभु जी के पता नहीं था कि इतने इतने यहाँ पर इतने मंदिर हैं, इतने प्रचार केंद्र हैं, इतने भक्त बन रहे हैं. They're being trained to be nice devotees. उनका अच्छे भक्त बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. That was said that I never saw Prabhupada being so glorified like. इसलिए प्रभु जी ने बताया कि प्रभु जी ने कभी भी नहीं देखा कि प्रभुपाद का इतना अच्छा गुणगान कभी हुआ हो. Let me hear. It's just यहाँ जितना हो रहा है प्रभुपाद का उतना गुणगान कहीं नहीं हो रहा है. That I'm very happy that have here my old god brother and I can always to be able to have this association of all your nice devotees on Delhi. तो इसलिए प्रभु जी आ रहे हैं और आए भी हैं. और हम चाहेंगे आते भी रहेंगे कि दिल्ली के अच्छे भक्तों का संग करें. इसलिए प्रभु जी आ रहे हैं. एंड आई कम हियर टू डू वन सर्विस फॉर प्रभुपाद एंड आई जस्ट गेट अ न्यू फैमिली हियर. नो मैं यहां प्रभुपाद जी की एक विशेष सेवा के लिए आया था लेकिन मैंने अपना नया परिवार यहां पा लिया है. जय हरे कृष्ण. जय श्री प्रभुपाद. हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद. लोकेश इज वन ऑफ द लीडर्स इन द ब्राजीलियन यात्रा. Have you heard of the country Brazil? Brazil? You know where it is? Where? Yeah, South America. It's one of the biggest countries in the world. I think it has more land than India. It's the land in Brazil is 1.5 or 2 times India's land. So it's a very big country. I think we have about 30 temples there. So Loka Sakshi is a very active preacher there. He was a GBC member, and now I think you're doing a PhD. He's doing his PhD on the devotional topic, bhakti, and in connection with that, he has come to study in Delhi. So we're very happy. The devotees have great affection for him. He's like their uncle, so they invite him for classes, I think, almost every day. So we're very happy that he's there. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू लोक साक्षी प्रभु. थैंक यू सो मच. तो हम लोगों के बीच में इस ग्रेस क्रतु प्रभु भी हैं जो हमारे दिल्ली मंदिर के अध्यक्ष भी रह चुके हैं. वैसे तो इन्होंने कनाडा में बहुत दिन तक सेवा किया है और हमेशा प्रभुपाद जी की सेवा रत रहे हैं. महाराज जी के साथ भी बहुत पुराना संपर्क है. वो आए हुए हैं. मैं प्रार्थना करता हूँ कि क्रतु प्रभु भी अपनी वाणी से महाराज जी के विषय में कुछ कहें. हरे कृष्णा. इसकी साउंड बढ़ा दो इस माइक की. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. सप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणामामि हरिप्रिये. वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने. प्रभुपाद साहित्यम यत् प्रकाश्य वितीर्यश्च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत्पादाय ते नमः. तो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज श्रील भागवत्पाद इन शॉर्ट में भागवत्पाद बोलूंगा. श्रील व्यास श्रील भागवत पाद. तो हिज होलीनेस इज वन ऑफ द रेयर वेरी लेस नंबर ऑफ डिवोटीज हु आर लीडिंग आवर इस्कॉन मूवमेंट. एंड हिंदी
टाइम कितना है फिर? टाइम टाइम नहीं है ना? ठीक है, मैं थोड़ा गियर चेंज कर लेता हूँ हिंदी में। तो श्रील भागवत पाद हमारी संस्था के वरिष्ठ लीडर शुद्ध भक्तों में से एक हैं, जो गिने गिने उच्च कक्षा के जो लीडर्स हैं, और उनमें भी जो मैं बोलता हूँ मेरे हृदय से, मेरी सोच समझ से बोल रहा हूँ। मैं किसी को कंपेयर करने नहीं आया कि, लेकिन वो है अभी संस्था की सारी जवाबदारियाँ, संस्था का सारा भार, इस्कॉन धुरंधर, धर्म धुरंधर। तो ऐसे भागवत पाद हैं और मेरा उनसे नाता 78 से है, और ऑल अलॉन्ग हमेशा मैंने देखा है कि हमेशा वो कृष्ण भावना भावित हर पल रहे। ऐसा कोई क्षण नहीं थी जब वो कृष्णमय नहीं रहे। और उनके गुण शास्त्रों में जो साधु वैष्णव आचार्य संत महात्मा के जो गुण बताए गए हैं, उन गुण से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उनमें ये गुण है। साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रैः उक्तस्तथा भाव्यतेव सदभिर्। किंतु शब्द का भी वो बहुत अच्छी तरह पालन करते हैं। इतना बड़ा स्थान होने पर भी इतनी बड़ी क्वालिटीज अर्थात इतने बड़े गुण होने पर भी किंतु का पालन बहुत अच्छी तरह करते हैं, इसलिए मुझे उनके ऊपर बहुत बड़ा विश्वास और मान, मेरे माननीय तो हमेशा रहे। तो शास्त्रों में जो गुण बताए हैं वो कम है इन संत के लिए। और उनके गुरु श्रील प्रभुपाद, उन्होंने उनके ऊपर जो विश्वास रखा वो अनपैरेलल विश्वास। पहले से अपना प्रभुपाद जी का हृदय BBT उनके ट्रस्टी, जहाँ खरबूजों का व्यापार होना था तो ट्रस्टी पहले बनाए उनको और ट्रस्ट किया। और मुझे ये भी पता है 74 में जब मैं टोरंटो मंदिर में शुरुआत का भक्त था, तो मैंने एक दूसरे मेरे गुरु भाई हैं उनको पूछा कि प्रभुपाद जी अभी आखिरी जीवन में गुजर रहे तो उसके बाद क्या? तो मुझे जवाब मिल रहा था कि उनके बाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ही उत्तीर्ण, उनके बाद की ध्वजा पताका इनके हाथ में होगी। तब से मुझे हिज होलीनेस गोपाल भागवत पाद में मुझे श्रद्धा थी, लेकिन कुछ माया मेरी समझ लो, मेरी सोच समझ लो, इससे मैं उनको इतना सरेंडर उन दिनों नहीं कर पाया। लेकिन मैंने एक कागज़ ज़रूर लिखा था कि एक दिन मैं आपके काम में
100% आपके अंडर में मैं काम करना चाहूँगा। तो एक दिन मैं टोटल सरेंडर होके शरणागति आपकी स्वीकारूँगा। तो मैं अभी से शत प्रतिशत शरणागत होके चल रहा हूँ और ये मेरा सौभाग्य है। तो महाराज के जवाबदारियाँ हमारी संस्था के लिए इतनी है कि मुझे पता नहीं वो कैसे कोप अप कर रहे हैं। तो हम सब उनको सहायता कर सकते हैं। सबसे ऊंची सहायता उनकी ये होगी कि अगर हम सब एक दूसरों का सम्मान करें, अपराध जीरो करें। यहाँ हम सब जो बैठे हैं इतने ही अगर एक दूसरों के साथ लव ट्रस्ट कोऑपरेशन करें तो हम उनका बहुत सा बोझ हल कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि उनके पास हमारी कंप्लेनें ज़्यादा जाती हैं, उनने ये किया उनने वो किया, तो उससे परेशान हो जाता है, कोई भी परेशान हो सकते हैं। तो ये हमारी फर्ज है। दूसरा, उनकी हमेशा दिलचस्पी रही कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो। मैं भी जितना हो जोर लगा रहा हूँ। और प्रभुपाद जी की भी ये दिलचस्पी रही ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हम उनको सहायता कर सकते हैं। और नंबर वन तो आते ही हैं सारे विश्व में, वही हमारे इंस्पिरेशन, हमें इंस्पायर करने वाले बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हैं। तो उनके गुणगान मैं बहुत करना चाहता था लेकिन मैं श्लोकों में करूँगा, उनका अनुवाद का समय शायद हमारे पास है नहीं। लेकिन आप सब ये श्लोक, सारे श्लोक जानते हो। तो एक तो मन मना, मन मनस्का, तन्मयता, लोलुपता, लोभ, कृष्ण लालसा, कृष्ण आश्रय, पूरी तरह कृष्ण का आश्रय और कृष्ण में हमेशा मन उनका रहता है और कृष्ण में लगाव भी इतना है। उनकी यहाँ उनके ठाकुर मौजूद हैं, दीटी उच्च कक्षा की मूर्ति पूजा, और वो भी समय प्रायोरिटी अर्ली मॉर्निंग, ऐसा नहीं कि चलो बाद में कर लेंगे। सुंदर मूर्ति की उपासना उनका बल है, वहाँ से वो बल प्राप्त करते हैं। आचार्य माम विज्ञानियम नव मन्यत कर चित नमर्त्य बुद्धि असुएत सर्वदेवमयो गुरु। आचार्यों में जगत के जितने भी आचार्य हैं उनमें उनका नंबर वन स्थान है। और ये अतिशयोक्ति नहीं है। हम उनके जीवन से, उनकी दिनचर्या से हम देख सकते हैं कि महान आचार्य की परिभाषा है वो हाउ मच ही इज एडिक्टेड टू कृष्ण, द मोर ही इज एडिक्टेड टू कृष्ण द मोर एलिवेटेड ही इज। और श्रील भागवत पाद श्री कृष्ण मय रहते हैं, कृष्ण मय। तो ये आचार्यों में उनका जो कृष्णमयी रहना, तन्मय तत्पर रहना,
तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तो कई आचार्य हैं हमारे हिंदुस्तान में, कई संप्रदाय हैं, और वी कैन जज, प्रभुपाद यूज टू जज बाय द रिजल्ट। तो प्रभुपाद जी रिजल्ट से सबको जज करते थे। तो हमने देखा है एसी पोर्ट भी, स्टेडियम भी छोटा पड़ रहा है हमें, तो उनके करोड़ों करोड़ों खरबजों में शिष्य होंगे, तो हमें स्पेशल स्टेडियम बनाना पड़ेगा व्यास पूजा के लिए। और ये भी अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है। मैं चाहता हूँ, नहीं चाहता तो बहुत कम भाषा हो गई, मैं प्रार्थना करता हूँ कृष्ण भगवान को कि ये 100 साल के ऊपर तो बिल्कुल जिए, ये मेरी सिंसियर प्रार्थना है। और आप सब ताली से भी प्रार्थना ही कर रहे हैं कि जुग जुग जिए। और मेरी तो क्या, हम सब की उम्र लग जाए उनको, क्योंकि हमें ऐसे ऐसे लीडर्स, ऐसे महान गुरु आचार्य भक्त वैष्णव संत महात्मा साधु की हमें हर डग पे जरूरत है, नहीं तो फिर अंधियारा हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा, और उसमें हम चिकन विदाउट द हेड, इंग्लिश है, जैसे एक मुर्गी का गला काट दो और बाट में वो कैसे तड़पती है, वैसे हम तड़पेंगे, क्योंकि लीडरशिप नहीं है तो फिर सारा टूट जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जुग जुग जिए, कम से कम 100 के ऊपर तो, वो चाहे इतना शक्ति ना हो, शरीर शिथिल हो जाता है, मेरा भी बहुत शिथिल हो चुका है, हम दोनों समकालीन हैं, तो वो भी, उनका भी शरीर थोड़ा शिथिल होता जा रहा है, लेकिन उनका जो बुद्धि, उनका मन, उनका दिमाग, उनकी उनकी पवित्रता की शक्ति, कृष्ण शक्ति बिना नाही तारा प्रवर्तन, तो इतना प्रवर्तन हो रहा है तो कृष्ण की शक्ति उनमें है। तो ये हमें चाहिए, हमें कई सालों तक चाहिए, मिनिमम 100 तक। तो ये प्रार्थना मैं करता हूँ श्री कृष्ण भगवान से कि हमें जरूरत है इन महात्मा की। तो साक्षात हरित्येन समस्त शास्त्र उक्तस्तथा भाव्यतैव सदभि किंतु प्रभोरिह प्रियैव तस्य, भगवान के प्रिय हैं, प्रिय हैं, लाइक प्रभु जी ने कहा कि किसी को भी कृष्ण दे सकते हैं, और वाकई में सही बात है, कृष्ण देना बहुत कड़ा काम है। कृष्ण जिनके ऊपर निछावर हो वो कृष्ण को सेल कर सकते हैं। एकाकी अमारता नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम धने, कृष्णा से तुमार कृष्ण दिति पार तुम्हारा सकतिया छे, अमित तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाछे पाछे। मैं कंगाल हूँ इसलिए कृष्णा कृष्णा घोषणा करते हुए उनके चरण चिन्हों के पीछे मैं भाग रहा हूँ ताकि मुझे कृष्ण मिल जाए। और वो बहुत उदार उदार दिल, कृपा सिंधु व्यय बच्चा पतिता नाम, पतितों का, मेरे जैसे पतित का उद्धार करने वाले हैं। तो मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा, वैसे तो मुझे कहीं कुछ
श्लोक सुनाने हैं उनके बारे में, लेकिन मैं समय की सूचकता रखूंगा और आई विल रिस्पेक्ट द अथॉरिटी हियर एंड आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू हिज डिवाइन होली लोटस फीट एंड ऑल्सो आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस टू ऑल ऑफ यू हु आर assemble here today. Thank you very much. Srila Bhagavat Pad ki, Srila Bhagavat Pad ki, Srila Bhagavat Pad ki, Gaur Premanandi. I want to thank Kriti Prabhu for his generous words. Kriti Prabhu is also a very active preacher. Preaches in India, Canada, America, everywhere. And I want to thank him for his humility and generous words. Thank you, Kratu Prabhu. Thank you so much for your kind words. Hare Krishna, iska awaaz tez kar do. Awaaz, ye mic ka. Hum logon ke beech mein Bhakti Vedanta Kinchan Maharaj Radha Kund se aaye hue hain. महाराज के बहुत ही पुराने शिष्य हैं, पहले कृष्ण बलराम मंदिर में सेवा करते थे, तो दिल्ली में भी थे और आज आए हुए हैं. बाद में